नरेंद्र मोदी 30 मई को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस बार भी मोदी ने अन्य देशों के प्रमुखों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। इस बार मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में BIMSTEC यानी बिम्सटेक देशों के प्रमुख शामिल होने वाले हैं। बिम्सटेक के तहत भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल देश आते हैं और इन्हीं सभी देशों को न्योता भेजा गया है। बिम्सटेक देशों के अलावा मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार इस बार सरकार का फोकस पड़ोसी पहले की योजना पर है और उसी के चलते पड़ोसी राष्ट्रों को निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि बिम्सटेक एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। बिम्सटेक का पूरा नाम वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। इस आर्थिक सहयोग संगठन के अंदर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित देश शामिल हैं। इस संगठन को 6 जून 1997 यानी कि 21 साल पहले बनाया गया था और इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में है। जबकि पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में मोदी को फ़ोन करके दोबारा से भारत का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी, लेकिन मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमारे पड़ोसी मुल्क को न्योता नहीं भेजा है और पड़ोसी मुल्क की वजह से फैल रहे गतिविधियों के चलते मोदी ने इस देश को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं किया है। इस साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उस समय मोदी ने सार्क देशों यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पड़ोसी मुल्क और श्रीलंका को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा था। इन देशों के प्रमुख मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे और पड़ोसी मुल्क की ओर से नवाज शरीफ ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस बार भी मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाएंगी। बताया जा रहा है कि शेख हसीना जापान, सऊदी अरब और फिनलैंड के 3 दिवसीय दौरे पर जाने वाली हैं, जिसकी वजह से वो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। शेख हसीना की जगह बांग्लादेश के मंत्री AKM मोजालिम इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। आपको बता दें कि साल 2014 में भी शेख हसीना मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बन पाई थी और उनकी जगह पर संसद प्रवक्ता डॉक्टर शिरीन शर्मिन चौधरी भारत आए थे। नरेंद्र मोदी 30 मई को राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे शपथ ग्रहण करने वाले हैं और मोदी के साथ उनके केंद्रीय मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जब तक कि अभी तक केंद्रीय मंत्रियों के नामों की घोषणा बीजेपी पार्टी की ओर से नहीं की गई है, मोदी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।